हाँ दोस्तों, मैं हूँ संदीप और स्वागत है आपका फिर से एक बार टच प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे, जो सीएससी वैली ने अपनी सीएससी आईडी से आईआरसीटीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और उनकी आईआरसीटीसी की आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। कम से कम 3-4 महीने रजिस्ट्रेशन किए हो गया है अपनी सीएससी आईडी से और अभी भी आईआरसीटीसी का आईडी नहीं आया है। तो दोस्तों वो IRCTC का आईडी क्यों नहीं आया है और कब आएगा दोस्तों, ये सब आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों अभी तक आपकी IRCTC की आईडी और पासवर्ड अभी तक जनरेट क्यों नहीं हुआ, वो दोस्तों बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी 3-4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, तो दोस्तों पोर्टल जो है IRCTC का रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल होता है वो दूसरी तरीके का था और उसके बाद में अपडेट होके आया था, तो कुछ इस तरीके का ये पोर्टल था, देख सकते हो आप। और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले क्या था कि यहाँ पर कुछ भी रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा था, बिल्कुल कुछ भी टच करते थे कुछ भी वर्क नहीं पोर्टल पे कर रहा था, अभी फिलहाल करने लग गया है। ये पोर्टल कह सकते हैं कि बिल्कुल अपडेट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक आपका IRCTC का आईडी पासवर्ड क्यों नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लेके ये समझाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना फ़ोन का स्क्रीन ओपन कर रखा है और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक अपना ईमेल खोल रखा है और ये ईमेल आईडी हमें मिली थी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, जो सीएससी के मतलब हर एरिया में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, डीएम कह सकते हैं, उनसे मुझे मिली थी। उनके पास मैं गया था, उनको मैंने सारी प्रॉब्लम बताई थी कि मेरी अभी IRCTC की आईडी जनरेट क्यों नहीं हुई है। तो उन्होंने मुझे ये मेल आईडी दी थी, उनसे उन्होंने कहा था कि इस मेल पे आप बात कर लेना जाके, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने इस पर मेल किया था तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, प्लीज हेल्प सर, और इसके बाद में मैंने अपनी सीएससी आईडी लिख दी थी और फिर लिखा था IRCTC आईडी पासवर्ड नॉट जनरेट और नीचे लिखा था IRCTC के लिए अप्लाई किए हुए बहुत दिन हो गया है, अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं मिला। तो इस तरीके से हमने लिख करके इनको मेल कर दिया था और इन्होंने क्या रिप्लाई किया था, प्लीज वेट योर न्यू IRCTC पोर्टल विल बी लाइव सून, ऑनाइज पोर्टल विल बी लाइव एंड डिटेल विल बी करेक्ट देन योर IRCTC आईडी विल बी क्रिएटेड। तो दोस्तों इस तरीके की ये मेल आ गई थी मुझे मेरे पास। तो इनका कहने का मतलब है, इसका मतलब इस मेल का है कि जो मेरा अभी तक पोर्टल है वो अपडेट हो रहा है, जो IRCTC का CSC से पोर्टल है वो कमिंग सून यानी कि अपडेट हो रहा है और बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही अपडेट हो जाता है तो आपने जो मतलब IRCTC के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उसमें सारी डिटेल अच्छे तरीके से फिलअप की थी यानी कि भरी थी, तो आपकी IRCTC आईडी जनरेट कर दी जाएगी, मतलब बन जाएगी। तो चलिए एक बार मैं इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में चेक कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे गूगल में आके गूगल ट्रांसलेट लिखूँगा। गूगल ट्रांसलेट लिख के आ गया दोस्तों, मैं सर्च करता रहता हूँ इसलिए। और यहाँ पर इधर हिंदी है तो इधर इंग्लिश करना होगा, उधर हिंदी, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अभी, तो देख सकते हो अभी ट्रांसलेट हो चुका है हिंदी में और यहाँ पर लिख के आ चुका है, कृपया प्रतीक्षा करें, हमारा नया IRCTC पोर्टल जल्द ही लाइव होगा और एक बार पोर्टल लाइव हो जाएगा और विवरण सही होगा तो आपकी IRCTC आईडी बन जाएगी। यानी कि दोस्तों देख सकते हो मैंने जो बताया आपको बिल्कुल सही बताया दोस्तों, अब शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इनका अभी तक IRCTC का जो पोर्टल है वो अभी अपडेट हो रहा है, कमिंग सून में है, और जैसे ही IRCTC का ये पोर्टल अपडेट हो जाता है तो दोस्तों आपने जितने लोगों ने CSC से अपने IRCTC के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और अच्छी तरीके से सारा फॉर्म फिलअप किया है, तो दोस्तों आपकी IRCTC बन जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं इस पोर्टल को अपडेट हो जाने, तो बस आपकी IRCTC बन जाएगी। अगर ये पोर्टल अपडेट हो जाता है फिर भी आपकी IRCTC आईडी नहीं बनती है तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा वीडियो लाने की। और हाँ दोस्तों, जिस मेल आईडी पे मैंने मेल किया था और वो मैं मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस मेल पर आप भी मेल करके चेक कर सकते हो कि आपको क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं, तो दोस्तों वो सब आप बता सकते हो उस मेल पे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।